हेलो माई टेक वाली चैनल में आपका वेलकम है तो हम जो है सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में लेक्चर फोर पर आ गए हैं लेक्चर फोर में आज हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हमने जो लास्ट टाइम एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हेलो वर्ड हमने प्रिंट कराया था हैश इंक्लूड एस टी डी आई इंट मेन एक सिंपल सा प्रोग्राम था तो उसमें जो फर्स्ट लाइन थी हमारी हैश हैश इंक्लूड एस टी डी आई यू डॉट एच उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं उसमें वो क्या चीज़ है और ये जिसको हैडर फाइल कहते हैं ये क्या चीज़ होती है तो शुरू करते हैं जी अच्छा जी तो एक फ़ाइल ले लेते हैं फ़ाइल न्यू सोर्स फाइल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं अपना हैश इनकलूड एस टी डी आई यू डॉट एच int main void or और printf, hello हेलो वर्ड ओके तो अभी हम नीचे वाले पोर्शन छोड़ देते हैं ये सब छोड़ देते हैं अभी आज के लेक्चर में ये क्या है हमें इतना पता है कि इस कोडिंग से इतने प्रोग्राम से हेलो वर्ड मैसेज आ जाता है सेव कर देते हैं जी प्रोग्राम नाम रख देते हैं इसका प्री प्रोसेसर पी एस डॉट सी कुछ भी रख लो जो भी रिलेवेंट लगे पी एस डॉट सी तो जो नीचे वाला कोड है इसको कंपाइल कर लेते हैं ये हमने पहले भी देख चुके हैं इसको तो हम कंपाइल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है रन ये रन भी हो रहा है तो यहाँ तक हम देख चुके थे आज हम जो समझेंगे वो इस लाइन का मतलब समझेंगे या यूं कहें कि थोड़ा सा प्री प्रोसेसर क्या होते हैं उसको समझेंगे प्री प्रोसेसर क्या चीज़ होती है और हाइड्रोफाइल्स क्या हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी उसके अंदर दो तरह के स्टेटमेंट होंगे एक तो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होंगे और एक सी के स्टेटमेंट होंगे पहचानेंगे कैसे जिस लाइन के स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ होगा ये हैश अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये सी का स्टेटमेंट नहीं है ये प्री प्रोसेसर का स्टेटमेंट है और ये सब सी के स्टेटमेंट हैं तो इसके रूल अलग होगा ये जो स्टेटमेंट है इसकी प्रोसेसिंग अलग होगी आ, और इसकी जो सेंटेक्स रूल हैं मतलब इनको कैसे लिखना चाहिए इसकी जो ग्रामर है उसके रूल अलग होंगे अच्छा तो इस पर थोड़ा सा काम करते हैं ये क्या चीज़ है तो इसकी टेस्टिंग के लिए काम करते हैं एक फाइल और लेते हैं आपको इस समझा रहा हूँ मैं कि ये क्या होता है उसके लिए एक फाइल और लेते हैं जी न्यू में गई सोर्स ठीक है और इसको सेव कर लेते हैं फाइल में जाइए सेव अब जिसमें मेरा ये वाला प्रोग्राम स्टोर है ये वाला पी एस डॉट सी ये मेरा ई e ड्राइव में ये देखिए ये मेरा ई e ड्राइव में सी के अंदर स्टोर है तो ये जो फ़ाइल है ब्लैंक अभी इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ जी ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं जा रही है देखो सी के अंदर है ई e के अंदर सी मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी दे सकते हैं आप सपोज़ आपने दे दिया ए डॉट एच जो भी आप चाहें या माई फाइल माई डॉट एच कर दीजिए कुछ भी जो भी आपको सुटोबिल लगे माई डॉट एच एच दे दिया एक्सटेंशन एक्सटेंशन भी कुछ भी दे सकते हैं एक्सटेंशन का भी कोई ज़रूरी नहीं है एच ही हो कुछ भी हो सकता है मैंने इसको सेव कर दिया अब क्या किया यहाँ से ये यह लाइन कट की ठीक है इसको कट किया कट और इस वाली फाइल में पेस्ट कर दिया सिंपल अब देखिए आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको अभी सी नहीं आती है कोई बात नहीं लेकिन आपको इतना पता है कि अगर मैंने यहां से एक यह ये लाइन हटा दी जो कि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा था तो और वो यहाँ डाल दी ठीक है ये यह हटाई यहाँ आ गई तो ये प्रोग्राम तो इनकम्प्लीट है इसको अगर मैं कभी कंपाइल करूँ एग्जीक्यूट कंपाइल, तो ये एरर देगा ठीक है तो ये कह रहा है जी इससे पहले कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए थी मतलब कुछ एरर है ठीक है अब यहाँ पर एक लाइन थी ये वाली जो यहाँ से हटाई गई है उसको मैं यहाँ पर एक इंडायरेक्ट तरीके से लेकर आता हूँ कैसे देखिए मैंने लिखा हैश इंक्लूड मेरी जो ये फाइल है मेरी इस फाइल में ये लाइन लिखी है ना मैं यहाँ लिखता हूँ ई वो ई e ड्राइव में है ई सी पी आर जी और उस फाइल का नाम है माई डॉट एच ठीक है मैं इसे सेव कर देता हूँ अब कंपाइल करते हैं देखते हैं क्या कहता है कंपाइल अरे वाह ठीक है कोई एरर नहीं है कोई वार्निंग नहीं है इसको रन करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डॉट 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 लगा देते हैं ताकि पहले वाले से थोड़ा डिफर लगे कंपाइल किया रन किया ये देखिए आपका प्रोग्राम चल गया तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हैश इंक्लूड है ये क्या करता है ये कुछ नहीं करता जी हैश इंक्लूड अभी जो आपको दिख रहा है वो ये कर रहा है ये इस फाइल में गया ये लीजिए फाइल ठीक है और जो उसमें जो भी कुछ था उसे यहाँ पर ले आया बिना देखे ठीक है तो ये चल गया अब इससे आप क्या समझे इससे हम ये समझे कि ये जो स्टेटमेंट होता है ना हैश इंक्लूड इसके ब्रैकेट में जो आप ये फाइल लिखते हैं ये इस फाइल में जो भी कंटेंट है जो भी उसको एज इट इज़ यहां पर आपके कोडिंग में ले आता है आपको दिखाई नहीं देता वो इंटरनली अटैच कर लेता है और एग्जीक्यूटेबल बना देता है मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा पूरा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होता है उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले चल जाता है या यूं कहिए कि कंपाइलेशन से पहले चल जाता है तो कैसे वो कौन करता है प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर इस फाइल को देखता है और इस वाली प्रोग्राम को देखता है और उसमें क्या देखता है जी अपना हैश वो कहता है अच्छा मेरा स्टेटमेंट है इंक्लूड क्या करना है इंक्लूड करना है इस फाइल को इस फाइल को उठाता है कंटेंट यहाँ ले आता है अब यहाँ पर आया अच्छा यहाँ भी देखा उसने हैश है ठीक है तो यहाँ पर हैश मिला इंक्लूड है ठीक है इंक्लूड का मतलब फाइल उठानी है यहाँ से उठानी है यहाँ से यह फाइल उठा लेगा और यहाँ पर इसके कंटेंट को रिप्लेस कर देगा अब आप एक आप आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कंपाइल और रन ठीक है अब एक क्वेश्चन ये होगा कि ये जो है ये हैश इंक्लूड यहाँ पर तो मैंने पाथ दिया है ठीक है और यहाँ पर नहीं लिखा मैंने कुछ भी ठीक है ऐसा क्यों चलिए जी उसका भी आंसर देते हैं एक्चुअली ये जो फाइल है आपकी ये वाली अगर आप इस पर थोड़ी देर कर्सर को रखें तो देखिए ये आपको पाथ दिखा रहा है पूरा सी प्रोग्राम्स देवसी पी पी ये पूरा पाथ दिखा रहा है ठीक है ये देखिए क्या किया मैंने इसको मैं बंद करता हूँ आपको दोबारा दिखाता हूँ क्लोज मैंने क्या किया मैंने इस पर पॉइंटर को ले गया कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक कर दिया मीन्स कि ये फ़ाइल जहाँ पर भी है आपकी हार्ड डिस्क में ये वो फ़ाइल को ओपन कर देगा तो देखिए जैसे ही मैं एक बार आपको और दोबारा दिखा देता हूँ मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ आपने प्रोग्राम लिखा यहाँ पर गए कंट्रोल प्रेस कीजिए कंट्रोल मैंने प्रेस किया तो ये हैंड आ गया और क्लिक कर दीजिए ये फाइल खुल गई अब इस फाइल में जो भी कुछ है ठीक है इसमें देखिए बहुत कुछ है कितनी लाइनें नाइन सिक्स थ्री नौ सौ तिरसठ नौ सौ तिरसठ लाइन है इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी वो यहाँ पर आ जाती हैं अच्छा लेकिन मैं अगर ये पाथ हटा दूं अभी वो क्वेश्चन रह गया है जी कि मैंने यहाँ पाथ दिया और वहाँ नहीं दिया अगर मैं ये हटा दूं तो और कंपाइल करूं तो ये एरर देता है ऐसा क्यों उसका आंसर मैं आपको देता हूँ आप टूल में जाइए कंपाइलर ऑप्शन में जाइए डायरेक्ट्रीज़ में जाइए ठीक है सी इंक्लूड में जाइए तो यहाँ पर देखिए ये कुछ डायरेक्ट्री के पाथ यहाँ लिखे हुए हैं ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर कोई फाइल अगर कोई फाइल आप लिखते हैं ऐसे इस तरह से एस टी डी आई एच और कोई पाथ नहीं देते तो वो क्या करता है सी क्या करती है सी पहले इस डायरेक्टरी में जाती है और देखती है कि क्या ये फाइल है अगर ये फाइल मिल जाती है तो ठीक है अगर नहीं मिलती तो इस डायरेक्टरी में जाती है मिल गई ठीक है नहीं मिली तो फिर इस डायरेक्टरी में जाती है अगर यह फाइल मिल गई तो उसके कंटेंट को उठा के यहां रिप्लेस कर देगी अदरवाइज एरर आ जाएगी तो अभी क्या हुआ होगा माई डॉट एच ना इसमें मिला होगा ना इसमें मिला होगा ना इसमें मिला होगा कहीं भी फाइल ये फाइल हमारी नहीं मिली होगी क्योंकि ये फाइल कहां पर है यह फाइल है जी ई e के अंदर ई e के अंदर सी पी आर जी फोल्डर के अंदर ठीक है तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि मैं यहां लिखूं ई सी पी आर जी फोल्डर को ऐड करा दूँ ठीक है अब मैं इससे कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को ये बता रहा हूँ कंपाइलर को कंपाइलर ऑप्शन मैंने एक ऐड कर दिया है क्या कि जब आप कोई फ़ाइल देखें जैसे अब ये माइडोट एच है तो पहले इसमें देखें इसमें देखें इसमें देखें और फिर इसमें देखें अगर ये फाइल यहाँ पर मिल जाती है तो उसको अटैच कर लें ओके चलिए जी कंपाइल अरे वाह चल गया कंपाइल हो गया एग्जीक्यूट रन ये रन हो गया जी ठीक है तो फाइल क्या है ये फाइल है जी आपकी आप देखिए फाइल को आप कुछ भी कह सकते हैं ये क्यों अटैच की गई देखिए कैसे अटैच हुई वो हमने देख लिया ये यहाँ क्यों लिखी गई उसका रीजन हम देखेंगे आगे और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि इसके लिखे बिना भी मेरा प्रोग्राम चल गया था ठीक है एक वार्निंग आई थी लेकिन प्रोग्राम चल गया था वो भी देख लेते हैं कैसे ये मैंने हटा देता हूँ सेव करता हूँ और कंपाइल किया एक वार्निंग आई है लेकिन प्रोग्राम मेरा चल जाएगा ठीक है अब एक आ, अगला क्वेश्चन जनरेट होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है ये आपने अभी समझ लिया कि हैश इंक्लूड क्या करता है वो आपने देखा ये कुछ नहीं करता जी एक फाइल हो देखो एक कोई फाइल हो जैसे माई डोटैच अब माई डॉटैच में ये लाइन लिखी हुई थी जो कि जरूरी थी ठीक है आपने ये फाइल यहाँ इंक्लूड की तो कुछ नहीं किया प्री प्रोसेसर ने इस कंटेंट को उठाकर यहाँ डाल दिया सिंपल और कुछ नहीं अब आप एक काम और कर सकते हैं देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना प्रोग्राम int main void एक और दिखाता हूँ एक टेस्ट और हो जाएगा हम ऐसे लिखते हैं जी ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है हम एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल करते हैं रन करते हैं ठीक है ये चल रहा है अब थोड़ा सा और देख लीजिए अब मैं इसको कट करता हूँ कट कीजिए जी कंट्रोल एक्स कर लो और वहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पर यह डाल दिया आधा प्रोग्राम यहाँ डाल दिया और आप लिख दिया हैश इंक्लूड एस टी सॉरी माई डॉट एच माई डॉट एच ठीक है कंपाइल किया क्या कहता है जी माई डॉट एच अच्छा सेव नहीं किया सॉरी ये सेव नहीं किया था ना इधर कंपाइल किया कंपाइल किया ठीक है तो देखिए जब ये वाला प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम ये लाइन लिखे ये वाला लाइन लिखे तो इससे क्या हुआ इससे हुआ ये कि इस फाइल में जो भी कंटेंट थे वो यहाँ आ गए अब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई मतलब प्री प्रोसेसर ने पकड़ी तो इस फाइल में जो कंटेंट थे मतलब ये ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गए उसके बाद रिटर्न जीरो और ब्रैकेट बंद तो ये प्रोग्राम अपने आप में कंप्लीट हुआ और जो कि चल रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कंपाइल हो रहा है और रन भी हो रहा है ठीक है तो यहाँ तक हम ये समझे हैं अभी कि प्री प्रोसेसर क्या है थोड़ा सा आइडिया प्री प्रोसेसर एक, एक ऐसा अंदर ट्रांसलेटर है जो हैश वाले स्टेटमेंट को देखता है उसके बाद उसकी एक कमांड होती है इसमें बहुत सारी कमांड्स आएंगी अभी इंक्लूड है अभी इंक्लूड समझ लो तो इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये करती क्या है तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा इसको देखेगा तो इंक्लूड अच्छा प्री प्रोसेस मत जाएगा अच्छा इंक्लूड करना है किसको इस फाइल को ये फाइल कहाँ सर्च करेगा ये फाइल सर्च करेगा मैंने आपको भी दिखाया था टूल्स में जाएंगे कंपाइलर ऑप्शन में डायरेक्ट्रीज सी इंक्लूड इस इन पाथ पे सर्च करेगा अगर ये फाइल मिल गई तो इसके कंटेंट को रिप्लेस कर देगा उसके बाद यहाँ पर आया अगर ये फाइल नहीं मिली तो एरर दे देगा ठीक है यहाँ पर आया यहाँ पर भी हमने कहा कि इस फाइल को इंक्लूड कर लो इसमें जो कंटेंट है इसमें ये कंटेंट है इसको उठा कर यहाँ डाल दो और उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो तो यहाँ तक कोई डाउट देखिए अगर कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल पे पूछ सकते हैं या चैनल के नीचे जो आपके रिव्यूज़ सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं मुझे मेल कर सकते हैं मेरा मेल आईडी डी कोई डाउट हो तो पूछना मैं अभी अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सी अभी शुरू नहीं हुई है देखिए सी शुरू हो गई है मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और मैं चाहूँगा कि आपको कुछ भी याद ना रखना पड़े और सब चीज़ें समझ कर चलें आप अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एस टी डी आई डॉट एच क्योंकि जब मैं पढ़ता था सी जब मैंने सी शुरू की थी तो एस टी डी आई ओ क्यों यूज़ करते हैं एक सवाल था तो मैं सोचता हूँ कि सभी ये सोचते होंगे सोचना भी चाहिए कि एस टी डी आई ओ डॉट का क्या काम था यहाँ पर तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि इसका क्या काम था ठीक है थैंक यू बाय नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं